गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस आए लॉकडाउन 4 के बारे में, इसमें पश्चिम त्रिपुरा जिला जो है वो ग्रीन जोन में है। तो लॉकडाउन के जो जनरल मेजर्स है जिसमें जितने भी सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसको कम्प्लीटली बंद रखा गया है। इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, हॉस्टल्स है, उनको भी बंद रखा है। इसके अलावा पब्लिक सेरेमनीज जैसे मैरिज और फ्यूनरल, उसके लिए भी हमने रेगुलेशन दिया है कि मैरिजेस के लिए हम स्पेशल परमिशन देते हैं, लेकिन हर एक मैरिज में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते और उसका लिस्ट हमारे पास पूरा आना चाहिए। उसमें हमने टर्म्स कंडीशन इम्पोज किया है कि सैनिटेशन मेंटेन करना है, सभी लोगों ने मास्क यूज़ करना है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। फ्यूनरल में भी 20 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। और इसके अलावा जो जनरल मेजर्स है कि सभी पब्लिक प्लेसेस में मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसी हिसाब से हमने कल हर एक सब डिवीज़न में एक जॉइंट टीम्स बनाया है जिसका इन्फोर्समेंट इंश्योर करने के लिए। सदर सब डिवीज़न में 25 टीम्स है, मोहनपुर सब डिवीज़न में 10 टीम्स, जिरानिया सब डिवीज़न में 10 टीम्स। ये जॉइंट टीम्स डिफरेंट जो पब्लिक प्लेसेस है, मार्केट्स है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होता है, यहाँ पे वो रैंडमली विजिट करेंगे और जो लोग मास्क वियर नहीं करते उनको वो ऑन द स्पॉट फाइन इम्पोज करेंगे, ₹100 फर्स्ट वायलेशन और 200 ऑन द सेकेंड वायलेशन। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी वो लोग इंश्योर करेंगे, जो भी स्पिटिंग करता है पब्लिक प्लेसेस में थूकता है, क्योंकि थूकने से कई सारी बीमारियाँ फैलती है, कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा रिस्क स्पिटिंग में से भी है, इसलिए वो लोग ऑन द स्पॉट फाइन इम्पोज करेंगे और इसका हमारे पास डेली इन्फॉर्मेशन एक आ जाएगा। तो ये एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हमने बनाया है लॉकडाउन 4 के लिए स्पेशली। और इसके अलावा ग्रीन जोन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ अलाउड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी अलाउड है, पश्चिम त्रिपुरा से बाकी पूरे स्टेट में लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो अलाउड है। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर की जितने भी एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेगा का काम हो, उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर के फिशरी है, ARDD है, इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सारा अलाउड है इसमें। और मैक्सिमम शॉप्स इसमें ओपन करने का परमिशन दिया है, लेकिन शॉप्स में एक ही रेगुलेशन है कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे और जो भी शॉप्स रहेंगे वहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और 2 लोगों के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस सभी लोगों को मेंटेन करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉप ओनर्स के ऊपर भी है, मार्केट एसोसिएशन के ऊपर भी उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी जो ऑलमोस्ट 45 जो टीम्स है वो सभी जगह पे आज दोपहर से विजिट करना शुरू करेंगी और जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशन मिलता है उसके लिए अप्रोप्रिएट पेनल्टी इम्पोज करेगी। इसके अलावा पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन से यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स है, आपने देखा होगा कि 18 मई को जिरानिया रेलवे स्टेशन से 17 मई को जिरानिया रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए हमने ट्रेन छोड़ा जिसमें से ऑलमोस्ट 2000 माइग्रेंट लेबर चले गए। अभी 20 तारीख को प्रयागराज UP वहाँ के लिए हम ट्रेन छोड़ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को हम भेजेंगे। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे ट्रेन्स का इंतजाम किया जाएगा और माइग्रेंट लेबर जितने भी है ब्रिकल्स में उनको हम उससे हम उनको रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भेज देंगे। आपने कल भी देखा होगा कि कल चेन्नई और बैंगलोर से हमारे यहाँ पर ट्रेन आई है अगरतला में, तो उसमें सारे पैसेंजर्स का हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 100% पैसेंजर्स को हम होम क्वारंटाइन के लिए स्टैंप लगा रहे हैं और जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है उसके पास हम दूसरे दिन आज मॉर्निंग में हमने इमीडिएटली सभी लोगों को उनके डिटेल एड्रेसेस सभी कन्वे किया है। और पश्चिम त्रिपुरा के अंदर जितने भी पैसेंजर्स आए थे बैंगलोर चेन्नई उनको हमने होम क्वारंटाइन में रखा है। अभी तक पश्चिम त्रिपुरा में हमारे 3000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए हैं कोरोना COVID-19 के लिए और उसमें से एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं है, इसलिए शुरू के लॉकडाउन से अभी तक हमारा पश्चिम त्रिपुरा जिला जो है वो ग्रीन जोन में है, एक भी पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं है। बट कम्युनिटी सर्विलेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारा अगर हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम कोरोना का स्प्रेड यहाँ पर नहीं होने देंगे। स्पेशल जो है कि इसमें शॉप्स मैक्सिमम अलाउ किए गए एक्सेप्ट मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, और शॉप्स में सिर्फ 5 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं है, उसमें सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये ओपन रहेंगे, वहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज अलाउड है, जिम्नाशियम्स और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, लेकिन जो भी स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं लेकिन उसमें
पब्लिक पार्टिसिपेंट्स मतलब पब्लिक का जो व्यूअर्स है वो नहीं आ सकते, ये दो तीन स्पेशल मेजर्स है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर जो मूवमेंट होता था वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था, लेकिन लॉकडाउन फोर में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो यहाँ से पूरे स्टेट में हमारे आदमी जा सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जो कल हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है कि बहुत सारे पासेस हमने इशू किए हैं, तो वो पासेस हम जो स्टैंडर्ड लेबर्स है या स्टैंडर्ड पीपल है वो कंटिन्यू करेंगे। कर्फ्यू के लिए रात 7 बजे से दिल्ली में भी हमने सेम 144 ऑर्डर इशू किया था, और कल शाम को हमने 144 का ऑर्डर इशू किया है, जिसमें रात के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जितने भी नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज़ है वो प्रोहिबिटेड रहेगी। तो इसमें से मैक्सिमम एक्टिविटीज़ बंद रहेगी, जो भी इमरजेंसी एक्टिविटी है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है, किसी को इमरजेंसी काम के लिए बाहर निकलना है, किसी को दवाई परचेस करने के लिए जाना होगा, सिर्फ इसी एक्टिविटी को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज़ इसमें 100% बंद रहेगी। तो पुलिस प्रशासन के लिए भी हमने बहुत सारे व्हीकल्स दिया है, और 144 का मॉनिटरिंग भी अच्छी तरीके से हो रहा है, सभी सब डिविजन्स 144 का और यूज़ ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका माइकिंग भी कर रहे हैं। हर एक विलेज लेवल पे अभी पब्लिसिटी भी चल रहा है, तो ये मास्क यूज़ करने के लिए और होम क्वारंटाइन अच्छे से फॉलो करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।